हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ह्यूमन एन आर्ट। और यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एक 3D वॉल टेक्सचर डिज़ाइन, जो कि हम करेंगे बूटी के द्वारा। यहाँ पे पिकॉक का आउटलाइन किया हुआ है वॉल पे। आउटलाइन करने के बाद फिर इस पे ऐसे हथौड़ी से या फिर कोई भी चीज़ से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इसको स्क्रब करना है, मतलब इस पे होल करना है ताकि पुट्टी इस पे अच्छे से मिक्स हो पाए। यहाँ पे पुट्टी बाल्टिंग में लो, अच्छे से इसको मिक्स करो, पुट्टी को एकदम प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना है। फिर यहाँ पे देखिए, पिकॉक में पुट्टी को अच्छे से डालना है। पंख के पास थोड़ा सा उभरा हुआ दिखना चाहिए, जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखाना है वहाँ पे पुट्टी का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। फिर ऐसे डिटेलिंग वाला काम हम करेंगे, ऐसे नाइफ लेंगे इसका और इसको अच्छे से ऐसे मोर का जो भी उभरा हुआ 3D वर्क होता है, जैसे पंख पे ऐसे डॉट डॉट वाला है, नीचे आपका देख रहे हैं उसके पंख पैसे है। उसके बाद फिर वो पूरा हो गया डाई होने के बाद, फिर आपको वाइट कलर लेना है, एशियन का वाइट कलर लेंगे हम लोग। ऐसे तारपीन तेल अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो, इसको प्रॉपर अच्छे से एकदम स्लोली स्लोली इसको पहले एक लेयर आपको पूरा पिकॉक में ऐसे कलर कर देना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आप भी ऐसा पूरा 3D वर्क अपने वर्क पे डाल सकते हो, वॉल पे डाल सकते हो। पहले आपको आउटलाइन करना है, किसी भी चीज़ का आउटलाइन कर लो, उसके बाद अच्छे से पुट्टी को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद फिर पुट्टी को वॉल पे डालो और फिर जब सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर उसको रफ़ कर दो। रफ करने के बाद फिर अपना कलर डिसाइड करिए और कलर डालिए। यहाँ पे देखिए, हमारा पूरा पिकॉक में ऐसे वाइट कलर हो चुका है। पिकॉक में नहीं, पूरा सब जगह कर लेना है आपको, डाली वगैरह जितना है सब जगह कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर और कलर चढ़ेगा, दूसरा लेयर जाएगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा पूरा 3D ऐसे भी निकला हुआ लग रहा है आपको वॉल पे, जैसे पुट्टी का वर्क चला। अच्छे से इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना है, वाइट कलर कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मोर का डिटेलिंग करेंगे तो फिर आपको काम आएगा। यहाँ पे देखिए, अब बैकग्राउंड बनाने के लिए पहले रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। क्वांटिटी ब्लैक का एकदम थोड़ा सा रहेगा, रेड का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है, रेड और वाइट मिला करके हम लोग इसको मरून कलर बना करके पूरा बैकग्राउंड एक साइड हम लोग देखिए। अभी देखोगे धीरे धीरे आप इसको प्रॉपर ऐसे ब्रश को अप डाउन करके पूरा वॉल पे ऐसे डालेंगे जहाँ पे बैकग्राउंड है। एक भी जगह वाइट नहीं दिखना चाहिए। ब्रश को अच्छे से फ्लैट ब्रश लेना है, बड़ा एरिया है तो बड़ा फ्लैट ब्रश लेंगे, छोटा एरिया है तो छोटा फ्लैट ब्रश लेंगे। यहाँ पे देखिए, पूरा बैकग्राउंड को मरून कलर से ऐसे बैकग्राउंड कर सकते हैं हम लोग। आप यहाँ पे मैंने मरून कलर यूज किया है, आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो। स्काई का कलर बना सकते हो, पीछे पूरा सीन बना सकते हो, लैंडस्केप सीनरी टाइप का बना सकते हो, बहुत सारा पेड़ पौधा बना सकते हो। यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर वाइट वाला जो पार्ट जो डाली है, डाली को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन कलर थोड़ा सा ब्लैक का क्वांटिटी लेकर के पेड़ का जो डाली है उस पर उसके किनारे किनारे हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे, ब्लैक कलर करेंगे, वाइट रेड और ब्लैक मिलाकर। तो ये पूरा 3D निकला हुआ लगेगा और ज़्यादा। किसी भी चीज़ को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी चीज़ को निकालना है तो हम उसके साइड वाले जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग कर लेते हैं डार्क कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे मरून कलर हुआ, मरून कलर करने के बाद फिर वाइट में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करेंगे और फिर इस साइड पे आपका दूसरा टोन आएगा कलर का। उधर आपका ब्राउन कलर हो गया, मरून कलर करने के बाद फिर इधर आपको हल्का सा पिंक कलर आएगा। अभी देखिएगा, जब डुअल टोन कम्प्लीट होकर के आएगा बैकग्राउंड, कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो, अभी से आपको पूरा 3D वर्क दिखाई दे रहा होगा पिकॉक का। अब उसके बाद फिर आपका प्रॉपर वाइट कलर हो गया, वाइट कलर के बाद फिर एशियन का ब्लू कलर लेना है, लाइट कलर, और जहाँ पे आपका पिकॉक का ब्लू ब्लू का वर्क है वहाँ पे अच्छे से ऐसे कलर को मिक्स कर देना है, डालना है कलर डाले। और इसको निकालने के लिए, 3D करने के लिए आपको किनारे किनारे पे वही फॉर्मूला यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना है तो पूरा 3D वर्क लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे साइड साइड में डार्क किया हुआ है, उसके बाद नीचे वाले वर्क में भी ऐसे करके सबसे पहले तो ब्लू कलर कर लेंगे। ब्लू कलर करने के बाद फिर इस पर वाइट, ऊपर वाइट वाइट ऐसे कलर डालना है, जो मोर के पंख में होता है जो कलर, वैसा कलर बना लेना है।
वैसा कलर जब बन जाएगा आपका, फिर यहाँ पे देखिए पंख, पंख में ग्रीन, डार्क ग्रीन पहले लेना है। डार्क ग्रीन हम लोग ऊपर से ऐसे डार्क ग्रीन करते आएंगे। डार्क ग्रीन करने के बाद फिर इसको लाइट, डार्क ग्रीन में हल्का सा वाइट मिक्स करेंगे तो इधर आपका लाइट होता जाएगा, ऊपर से डार्क आएगा, नीचे आपका लाइट होता जाएगा ऐसे येलो कलर। और फिर ग्रीन कलर लेकर के थोड़ा थोड़ा उसका टेक्सचर निकालते जाएंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो जो पंख का कलर होता है ग्रीन कलर, ऐसे पूरा एरिया जहाँ पे आपको ग्रीन कलर डालना है पहले ग्रीन का वर्क कर लेंगे। फर्स्ट में आपको क्या करना है, पूरा ग्रीन डालना है, उसके बाद फिर इस पर डिटेलिंग करेंगे हम लोग बाद में। हेयर, इसका जो पंख का जो हेयर होता है उसको निकालेंगे हम लोग बाद में, पहले ऐसे पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एकदम स्लोली फ्लैट ब्रश लेना है, राउंड ब्रश यूज नहीं करना है इस पे, फ्लैट ब्रश लेकर के इसको अच्छे से चलाना है। यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देखिए इसका डिटेलिंग निकल रहा है, ग्रीन कलर में व्हाइट कलर मिक्स किए और ऐसा उसका हेयर बन रहा है इस टाइप का। राउंड राउंड ब्रश चलाते जाएंगे, इसका हेयर बनाते जाएंगे। अब इसके अंदर वाला पार्ट में अच्छे से प्रॉपर कलर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, पंख भी बन गया हमारा, मोर में भी कलर आ गया। अब हमको क्या करना है, ट्री में कलर करना है। तो बैकग्राउंड आपका दूसरा कलर रहेगा तो ट्री का कलर आप अलग अलग यूज कर सकते हो, या अब ब्लू कलर है तो आप ट्री का कलर ब्राउन कर सकते हो। अभी आपका पूरा मरून कलर है बैकग्राउंड, इसलिए हम लोग ग्रीन का ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डार्क ग्रीन चल रहा है, बीच में लाइट ग्रीन हुआ है, व्हाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन डाला गया है, डुअल टोन बन रहा है यहाँ पे कलर का, देख सकते हो आप। ग्रीन कलर में व्हाइट कलर बीच में डाला हुआ है और फिर ग्रीन कलर लेकर के उसको सेट किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो 3D आर्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, वॉल टेक्सचर डिजाइन। आप भी अपने घर पे ऐसे ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। थैंक यू।